now as uh, we have discussed in our other cla uh, earlier classes today's topic is change of state of matter so uh, in today's topic we are going to discuss about this only change of state of matter that state of matter means from solid the states can be changed from solid to liquid liquid to gas gas to again liquid li liquid to again solid and sometimes what we see that from gaseous state a state a substance can be changed directly to solid state also that process also we are going to discuss here in this topic only so uh, let us start with the topic so the topic is the phenomena हेयर वट इज़ देअ द फिनिना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू दरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है इंटरकन्वर्जन है स्टेट ऑफ मैटर्स की सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लिक्विड टू कैश स्टेट में यही इंटरकन्वर्जन ही क्या लाता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर और यही फिना कहलाता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर द फनोमिना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इस कॉल दी इंटरकनवर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर इसी चीज़ को हम कहते हैं इंटरकन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमको दिखता है वाटर में वाटर कैन भी इन सॉलिड स्टेट वाटर कैन भी इन लिक्विड स्टेट वाटर कैन भी इन गैशस स्टेट राइट सो मैटर कैन चेंज इट स्टेट वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा यहाँ एज यू कैन सी इन दिस सॉलिड स्टेट में जब वाटर हम देखते हैं तो हम कहते हैं वो आइस फॉर्म में है आइस राइट समरज आ देर यू आल हैव सीन आइस यू यू विल यूज इट राइट और आइसक्रीम सभी की फेवरेट होती है आफ्टर दैट वाटर वाटर क्या है वाटर लिक्विड फॉर्म में जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में ये लिक्विड फॉर्म में है और वही चीज़ अगर हम उसको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं लिक्विड का उसको हीट करने लगते हैं ठीक है थीके? उसको वो बॉयलिंग स्टेट पे आने लगता है बॉयलिंग स्टेट के बाद वो वेपर्स फॉर्म में आ जाता है यही वाटर वेपर्स क्या हैं गैश फॉर्म में भी हैं ठीक है थीके? तो इसमें हम ये भी डिस्कस करते हैं कि ये जो आ, पार्ट कहलाते हैं ये क्या है जब हम सॉलिड से वाटर का जब टेम्परेचर आइस से बढ़ा रहे होते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में आ रहा होता है ठीक है और यही जब हम इसको बॉयलिंग कर रहे हैं तो ये जब लिक्विड से वाटर वेपर में कब आएगा जब हम इसको बॉयल boil करेंगे बॉयलिंग स्टेट होगी तभी ये वाटर वेपर में आएगा अब वाटर वेपर से जो लिक्विड स्टेट वाली स्टेट कैसी कंडीशंस कहलाएगी ठीक है वाटर वेपर्स से लिक्विड स्टेट में हम ये जो वाटर वेपर्स हैं जब इनको ठंडा करेंगे इनका टेम्परेचर कम करेंगे इसी को हम क्या कहते हैं कंडेंसेशन राइट इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन कंडेंस हो रहे हैं वेपर्स फॉर्म में फिर इस लिक्विड स्टेट से हम फिर से टेम्परेचर इसका क्या कर रहे होंगे इसको हम फ्रीज़ कर रहे होंगे ये कह रहा है फ्रीजिंग और यहाँ पे क्या था सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ रहा है अगर तो वो कहलाता है मेल्टिंग ठीक है कुछ हमने और न्यू वर्ड्स और टर्म्स पढ़े कि सॉलिड आइस से इसको हम मेल्ट करा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करा रहे हैं तो वाटर बन रहा है वाटर से हम टेम्परेचर और इंक्रीज करा रहे हैं बॉयल करा रहे हैं बॉयलिंग हो रही है वाटर वेपर्स देन वाटर वेपर्स से हम इसका टेम्परेचर कूल cool कर रहे हैं कम कर रहे हैं कंडेंसेशन देन फ्रीजिंग सो दिस ऑल इट इज इंटरचेंजेबल इट इज़ इंटरकनवर्जन सो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इसका ये चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इसका बहुत ज़्यादा असर इफेक्ट पड़ता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे कि टेम्परेचर ये चीज़ मेनली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो तो ही चेंज ऑफ मैटर होते हैं स्टेट्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ठीक है

टू बिकम अ लिक्विड एट दी एटमोसफेयरिक प्रेशर इस कॉल द मेल्टिंग पॉइंट और इसी चीज़ को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है टू सेवेंटी थ्री कैलविन ठीक है आइस रहती है जीरो डिग्री सेल्सियस पे और जीरो डिग्री सेल्सियस से ही जब वो स्टार्ट होती है तो वो कैलविन uh, स्टेट में अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो टू सेवेंटी थ्री इस पर एक न्यूमेरिकल uh, बेस है दैट वी विल डिस्कस इन आर अवर अनदर क्लास another in our next class so uh, how to change the temperature from degree celsius scale to kelvin scale and kelvin scale to degree celsius scale right so a core point has me the process of melting that is change of solid state into liquid state is known as फ्यूजन और इसी चीज ये जो हमने मेल्टिंग लिखा है इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये है आपका फ्यूजन भी कि ये जो स्टेट सॉलिड स्टेट मेल्टिंग दैट इज़ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं सो दिस इज देयर विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं फ्यूजन के साथ साथ इसमें होगा आपका पराइजेशन भी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जिसमें कि एक वर्ड और आएगा आपका द वर्ड कम्स है अबाउट द लेटेंट हीट सो दिस लेटेंट हीट विद सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हाउ टू चेंज द टेम्परेचर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास